हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। थंबनेल तो आपने देखा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। बजट फ्रेंडली पैसों में आप अपने आउटफिट को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से रियूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर आज ये वीडियो होने वाला है। बट वीडियो में बढ़ने के पहले आप देख रहे होगे कि मेरे स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो दिख रहा है। नहीं नहीं मैं पार्लर नहीं गई हूँ, मेरे ग्लो का जो सीक्रेट है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली लास्ट 15 डेज से मैं इसको यूज़ करी हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन से प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। मुझे रिसीव हुआ है ओजोन आयुर्वेदिक स्किन केयर की तरफ से ये प्रोडक्ट्स। आयुर्वेद जब किसी नाम के साथ जुड़ जाता है तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ट होता है, क्योंकि इंडिया जो है अपने आयुर्वेदिक कल्चर के कारण जाना जाता है। ये अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले मैं फेस वॉश की अगर बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है बहुत हनी काइंड ऑफ टेक्सचर है। जब मैंने इसको अपने हाथों पे फर्स्ट टाइम पोर किया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कोई फेस वॉश को पोर किया, ऐसा लगा कि प्योर हनी है। तो और इसको आपको अपने पैड डाई स्किन पे लगाना है एंड आपको देखोगे कि इसका लेदर होता है ना, बहुत माइल्ड लेदर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेदर करता है। तो जब कोई फेस वॉश बहुत ज्यादा लेदर नहीं करता है, दैट मींस कि उसमें जो केमिकल का यूज है बहुत कम हुआ है। एंड यस, ये प्रोडक्ट सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री है, तो जो सबसे अच्छी बात है। इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ, उसमें कुकुम्बर है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें मुलैठी है। मुलैठी आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को कम करती है। ये फेस वॉश बहुत बहुत अच्छा लगा। बेटर रिजल्ट के लिए आपको दिन में 2 बार इसे यूज करना है। एंड इसके रिजल्ट की बात करूं तो जब आप इसको लगाओगे ना, उसके बाद जब अपना स्किन को आप धोओगे, आपको अपनी स्किन बहुत ज्यादा नरिशिंग लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, सपल लगेगी, अपनी स्किन पे ना एक बहुत ही अच्छी रिफ्रेशमेंट महसूस होती है। आप डेफिनेटली थम्स अप फॉर माय साइड। बात करती हूँ स्क्रब की। जब भी आप स्क्रब लेते हो तो स्क्रब में सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्क्रब के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा हार्श ना हो, क्योंकि वो स्किन पे भी बहुत ज्यादा हार्श लगते हैं। पर्टिकुलर इस स्क्रब की सबसे अच्छी बात लगी कि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत बहुत ज्यादा माइल्ड है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना, ऐसा फील होता है ना कि किसी ने मेरे हाथ पे बिल्कुल दूध वाली मलाई होती है ना, क्रीम होती है, उसको पोर करा। इतना बटरी काइंड ऑफ इफेक्ट देता है ये। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत थिक है। आपकी कंसिस्टेंसी जो रहती है वो रनी रहती है, तो स्किन पे ना वो अच्छे से टिकता नहीं है। इसमें भी सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, आपको पैड ड्राई स्किन पे ही अप्लाई करना है। थोड़ा सा आपने स्क्रब को लेना है एंड सर्कुलर मोशन में फॉर 1 to 2 मिनट्स आपने सर्कुलेट करना है एंड उसके बाद फेस वॉश कर लेना है आपने। तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि मेरी स्किन जो है कितनी पहले डल लग रही थी एंड 2 प्रोडक्ट के यूज के बाद में मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ये प्रोडक्ट ऐसा यूज नहीं कर पाते हो जो आपकी स्किन पे हार्श है, तो डेफिनेटली आप एक ट्राई इस स्क्रब को दे सकते हो। 15 दिनों के यूज के बाद मैं आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर कर रही हूँ। स्क्रब के यूज से आपकी स्किन के जो डेड सेल है वो निकले, को अप्लाई करना इसलिए जरूरी है ताकि जो हम पार्लर जाके महंगे महंगे फेशियल नहीं करवा सकते हैं, घर में ही एक अच्छा सा फेस पैक को चूज कर सकते हैं। इस फेस पैक की भी कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बटरी है, बहुत ही क्रीमी है एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई होती है। इस फेस पैक को आपको वीक में 2 बार आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन में देखना कि बहुत अनइवन हो जाती है स्किन। स्किन के एक पोर्शन में आपको दिखेगा कि एक कलर जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है एंड दूसरे पोर्शन में आपको कलर कुछ अलग दिखेगा, तो इसको अनइवन स्किन टोन बोलते हैं। तो देखो, एक बार में जादू नहीं हो जाना है, बट अगर आप किसी प्रोडक्ट को ट्रस्ट के साथ में, पॉजिटिव माइंड के साथ में यूज करते हो, तो आपको आपके स्किन पे विजिबल रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो डेफिनेटली आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हो एंड ये सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले आप ये साड़ी देख लो, कुछ इस तरीके की रेड कलर की साड़ी है एंड इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक चिकनकारी का वर्क है। आप ये देखो, थ्रेड से वर्क किया गया है एंड कहीं कहीं पे सीक्वल लगे हुए। ये साड़ी 3 साल पुरानी है। एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपने सिस्टर की वेडिंग में लिया था। इस साड़ी को मैं 6 बार स्टाइल कर चुकी हूँ, यस 6 टाइम एंड दिस इज 7 टाइम आई एम गोइंग टू शो यू दैट आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। 5 बार मैंने इसे कैसे स्टाइल किया है 5 तरीकों से, उसके लिए आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो। एंड सबसे पहले इस साड़ी को मैंने स्टाइल किया था अपने सिस्टर की वेडिंग में, बट मैंने अपने सिस्टर की वेडिंग में एक बहुत बड़ी गलती की थी इसके ब्लाउज के साथ में, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सिलवाने के बाद में। बट इस बार मैं इसके साथ में कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी
तो सबसे पहले आपको अपने साड़ी का कलर देखना है कि क्या है। तो मेरा साड़ी का कलर जो है ना टोमेटो रेड काइंड ऑफ कलर है, तो मैं इसके साथ कंबाइन करना चाहती थी नेवी ब्लू, कि ये साड़ी नेट की है तो मैं कुछ नेट के टेक्सचर में ही रखना चाहती थी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो कि मैंने ये फैब्रिक खरीदा वाइट कलर का, क्योंकि मुझे जिस तरीके का फैब्रिक चाहिए था उस तरह का फैब्रिक मुझे नहीं मिल रहा था, एंड ये फैब्रिक एग्जैक्टली वैसा था जिस तरह का मैं खोज रही थी। तो मुझे ये फैब्रिक मिला, मैंने सोचा कि मैं इसको डाई करवा लूँगी, तो मैंने इसको लिया एंड मैं डाई वाले भैया के पास गई। जब मैं डाई वाले भैया के पास गई तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो मैं बहुत सारे जो डाई वाले भैया थे उनके पास गई, बट किसी ने मुझे वो डाई करके नहीं दिया। उनका कंसर्न था कि जो थ्रेड है वो डाई नहीं होंगे, कपड़ा डाई हो जाएगा। तो मुझे होल जो कपड़ा था वो डाइएबल चाहिए था। तो फाइनली मैंने वेट करा 10 डेज के बाद, जब वो भैया आए, जहाँ पे मैं हमेशा अपने कपड़े डाई करवाती हूँ जब भी मुझे कुछ वैसा नीड होता है, तो उन्होंने मुझे कपड़ा डाई करके दिया। तो देखो जो कपड़े का आउटकम है ना कुछ इस तरीके का है। मे भी आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली जो मैंने नेकपीस पहन के रखा हुआ है ना इसी कलर का है ये जो डाई हुआ था। मेरे दिमाग में एक क्लियर रेफरेंस था कि मुझे किस तरीके का चाहिए, क्योंकि मैं इसको सर्दियों में स्टाइल करने के लिए बनाना चाहती थी। तो मैंने फुल स्लीव रखा एंड मुझे इस तरीके का नेक चाहिए था, तो ये मेरा एक रेफरेंस पर्पज था। तो मैं लेके गई अपने टेलर वाली आंटी के पास पे एंड सब कुछ मैंने उनको सिनेरियो समझाया कि मुझे इस तरह का चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनका जो शोल्डर है ना बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब थोड़ा सा एंड डीप है, तो अगर आप बैक साइड से भी डीप करवाते तो शोल्डर गिरने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने उनसे डिस्कस करा सब कुछ, उन्होंने बोला कि शोल्डर से मैं पैक कर देती हूँ चीज़ों को, जिससे वो उसको शोल्डर गिरने का डर नहीं रहेगा। फिर आंटी ने मुझे बोला कि मैं फ्रंट में हुक दूंगी, तो मैंने उनको मना कर दिया साफ कि नहीं, मुझे फ्रंट में हुक नहीं चाहिए। पहली गलती हम यही करते हैं कि नेट की साड़ी के साथ में ना हम फ्रंट में हुक अटैच करवाते हैं, जो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता। मे भी किसी को अच्छा लगता है, सबकी अपनी टेस्ट है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ट्रांसपेरेंसी की वजह से उसका लुक कहीं ना कहीं हाफ में कट हो जाता है। तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने बोला कि पीछे भी नेट पैक रहेगा, तो मैंने साइड जिप का ऑप्शन लिया। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट मैटर करते हैं आपकी, आप जब भी एक कपड़ा को कस्टमाइज करवाने जाते हो तो बहुत सोच समझ के डिस्कस करके देन आप कपड़े को कस्टमाइज करवाओ। जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा आउटकम आया है। तो पहले आप ये ब्लाउज का कलर देख लो, कितना प्रिटी कलर है, बिल्कुल नेवी ब्लू कलर का। ये जब रेड और नेवी ब्लू को एक साथ रखा जाता है तो कैन यू इमेजिन, इतना सुंदर लग रहा है। ये फ्रंट का नेक है, बिल्कुल स्वीट हार्ट नेक जिसको बोलते हैं। एंड ये मैंने आंटी को बोला कि शोल्डर थोड़ा सा और कम रहता तो अच्छा रहता, बट कोई नहीं, इसके पहनने के बाद भी बहुत अच्छा आया है। बट अगर आप ये इस तरह का ब्लाउज बनवाते हो डीप में इस तरह का रेफरेंस पर्पज लेके, तो आप शोल्डर सिर्फ इस तरीके का जो 1 इंच बचे ना उस तरीके का करवाना, जिससे लुक और भी अच्छा आएगा। स्लीव देख रहे हो, फुल स्लीव मैंने बनवाया, बहुत ही सुंदर सा फुल स्लीव एंड बैक साइड से ये पैक्ड है। लाइनिंग थी ना, मैंने आंटी को बोला था कि आप लाइनिंग मत देना, बट आंटी ने बोला कि लाइनिंग बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, जिसको देने से मतलब आपका कपड़ा या लुक खराब होता। तो उन्होंने अपने मन से यहाँ पे लाइनिंग भी दे दी, तो कुछ इस तरीके का है। मैंने ये साइड जिप रखवाई, जिससे ब्लाउज एक क्रॉप टॉप की तरह लुक दे रहा है। इसको सेपरेटली मैं किसी स्कर्ट के साथ भी पहन सकती हूँ, किसी भी तरह स्टाइल कर सकती हूँ, बट अगर फ्रंट में हुक आ जाता ना तो उसको आप मे भी स्कर्ट के साथ पहन लेते, बट और भी किसी चीज़ के साथ में स्टाइल करना थोड़ा मुश्किल होता। पारी आती है स्टाइलिंग की, तो मैंने स्टाइल करने के लिए सबसे पहले देखो, क्योंकि विंटर के लिए स्टाइल करी थी, तो मैंने सबसे पहले एक साटिन का पेटीकोट लिया, क्योंकि नेट जो है ट्रांसपेरेंट रहती थी, इसके नीचे जो कॉटन का पेटीकोट होता है वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने साटिन को चूज करा विंटर में, कि साटिन का जो फैब्रिक होती है बहुत ही वार्म, बहुत ही गर्म रहता है, जो एक अच्छी सी गर्माहट आपको देती है। एंड उसके नीचे मैंने लेगिंग्स पहना, तो ये बहुत लेगिंग्स वार्मर जो भी आप पहन सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती, तो लेगिंग्स से काम चल जाता है। मिनिमल रखना चाहती थी, बहुत क्लासी रखना चाहती थी, तो होल लुक आप देख रहे हो कि मैंने ज्वेलरी किस तरह से कैरी किया। फुल स्लीव है तो मैं बहुत ज्यादा, एक हाथ में मैंने घड़ी पहनी, एक हाथ में मैंने बहुत ही एलिगेंट सा जो कड़ा है आप देख रहे हो वो लिया, खुले बालों को कुछ इस तरीके से रखा एंड दिस इज द होल लुक। Thank you.
देखिए मैंने स्क्रैच से 50 रुपये में लिया था। यस फैब्रिक की कॉस्टिंग तो बहुत कम थी, बट इसको डाई करवाने में मेरे 130 रुपीज़ लग गए। तो मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर रही हूँ कि 50 रुपीज़ प्लस 130 रुपीज़ कितने हुए। उसके बाद में इस ब्लाउज को सिलने के जो चार्जेस मैंने दिए, क्योंकि वो आंटी घर में सिलती है हमारे घर के पास में, तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है, तो उन्होंने मुझसे चार्ज करा है 230 रुपीज़। 130 प्लस 50 आप कैलकुलेट कर लो। 410 रुपीज़ में मैंने अपनी 6 बार पहनी हुई साड़ी को 7 टाइम पहनने के लिए रेडी कर लिया है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने कबर्ड में छानबीन करें कि आपके पास क्या है। मुझे ये पीस मिला एंड आई एम टोटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एक शादी में ही पहनने के लिए इसको बनवाया। बहुत जल्दी आपको मेरे ब्लॉग चैनल पर वो भी देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली आप इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपको लगता है बहुत बार आप उसको पहन चुके हो, बट कुछ डिफरेंट ट्राई करो। साड़ी को अपने बहुत बार पहना है, वही साड़ी आपको एक बिल्कुल डिफरेंट लुक देगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि 2024 में कौन से ऐसे ट्रेंड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो मेरा इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।